हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और ये जो रेलवे हॉस्पिटल देख रहे हैं ये बिलासपुर का है, ये बिलासपुर डिवीज़न का सबसे बड़ा रेलवे हॉस्पिटल यही है। ये रेलवे हॉस्पिटल में रेलवे कर्मचारियों और जो पेंशनभोगी कर्मचारी है उन सभी का इलाज यहाँ फ्री में किया जाता है, बशर्ते आपको उम्मीद कार्ड या मेडिकल कार्ड होना अनिवार्य है। और ये पार्किंग स्टैंड है, यहीं से रेलवे द्वारा बनाए गए पेशेंट अटेंडेंट के लिए वेटिंग हॉल की तरफ जाएंगे। और ये रास्ता है, हम लोग को सीधा जाना है यहाँ से। और ये देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस है रेलवे का, और ऑफिस के पास ही यहाँ पे ये वेटिंग हॉल बना हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप देखिए, मरीज परिचालक विश्राम कक्ष लिखा हुआ है, यहीं पर आपको सारे सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और ये देख लो, मैं इसी रास्ते से होके आया हूँ, ये गेट के उस पार जो रेलवे हॉस्पिटल है, आपको रेलवे हॉस्पिटल से इस पार आना है। और ये ऑफिस के सामने जो CHI ऑफिस है, इसके सामने ही आपको यहाँ वेटिंग हॉल बना हुआ है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ये वेटिंग हॉल के पास। मॉर्निंग का टाइम है तो शायद हो सकता है यहाँ पर लाइट वगैरह बंद हो, या जो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और अभी चलते हैं हॉल के अंदर और आपको दिखाता हूँ ये रात को पानी गिरने के बाद का हालत ये है। हॉस्पिटल में मरीज़ की संख्या ज़्यादा होने के बाद रहने का कोई व्यवस्था नहीं होता है, तो मजबूरन उनको ज़मीन पर लेटना पड़ता है या चेयर पर सोना पड़ता है। उन सब से बचने के लिए रेलवे ने ये वेटिंग हॉल बना दिया है। और ये मैं अंदर जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लाइट वगैरह पूरी बंद है। अभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ जिससे अंदर का जो व्यू है वो पता चल सके। चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डरावना लग रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, डरने से तो बात नहीं बनेगी ना। और ये लाइट का बटन ये यहाँ पे है, ये ऑन करने के बाद अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। और इसका उद्घाटन हुआ है 2023 में, जो यहाँ DRM थे आलोक कुमार जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये हॉल है बड़ा सा, हॉल से लगे हुए 6 कमरे हैं और हर कमरे में जो है अलग से लाइट, पंखे, बाथरूम और किचन वगैरह दिए हुए हैं। ये आपको दिखाता हूँ, गेट को पहले खोल लेते हैं और गेट खोलने से मालूम चलेगा अंदर क्या है। और ये गेट खोलने से आप देखो, यहाँ काफ़ी अंधेरा है, यहाँ भी लाइट लगा लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये रूम काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, क्योंकि उतने पेशेंट नहीं आ रहे थे, तो हौच पौच होने से ही ये रूम यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं और दोनों में यहाँ पे बिस्तर वगैरह तो लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर आपको बेडशीट वगैरह लगाना पड़ेगा। और फ़ैन भी रनिंग हालत में है, चल रही है फ़ैन। और ये सामान रखने के लिए छोटा सा टेबल है। और ये गेट जैसे खोलते हैं, और गेट खोलने के बाद दिखाता हूँ उधर क्या है। ये देखिए, बारिश हुई है तो पानी जो है अंदर आ गई है। और ये किचन बेसिन वगैरह बना हुआ है, आप खाना ही बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है, यही गेट से हम लोग अंदर आए थे, ये रास्ता दिखाई पड़ रहा होगा, ये बाजू में ऑफिस है। और ये आके यहाँ सीढ़ी से अंदर की ओर मैं आया हूँ। और यहाँ पे विंडो में, सारे विंडो में यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है ना कि जाले लगे हुए हैं ताकि मच्छर वगैरह अंदर प्रवेश ना कर सकें। और ये अटैच लेट बाथ है बेसिन के साथ। और फिर से ये रूम जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, चलते हैं अभी बाहर की ओर। और ये रूम से मैं बाहर आ गया हूँ, ये बड़ा सा हॉल है। और ये बाजू वाले रूम में चलते हैं जो इससे लगे हुए हैं, और सेम वही है कंडीशन यहाँ भी, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। चेयर वगैरह तो नहीं है यहाँ पर, लाइट ऑन करने के बाद यहाँ पे सेम वैसे ही बेड रखे हुए हैं, और बेड में गद्दे वद्दे बिछे हुए हैं, फैन भी है। और ये गेट खोलने से इधर भी विंडो आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए। यहाँ भी बारिश के कारण हालत ख़राब है, क्योंकि ये खुला हुआ है। ये बाथरूम वगैरह है, और यहाँ पे बेसिन वगैरह वैसे ही बने हुए हैं। और ये रूम भी काफ़ी टाइम से कोई यूज़ नहीं किया लग रहा है, इसलिए इतने थोड़े से कचरे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। और सेम वैसे ही ये थर्ड वाला भी गेट है, वहाँ अंदर तो नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि फिर वही चीज़ मुझे दिखाई पड़ने वाला है। बाहर से देख लेते हैं थोड़ा सा इसको क्या है। और ये बैठने के लिए चेयर वगैरह लगे हुए हैं हॉल में, और हॉल में बड़ा सा विंडो है जिसमें
मच्छर अंदर ना आए, इसलिए यहाँ पे जाली लगे हुए हैं। ये आप लोग देखिए वेंटिलेशन के लिए बहुत बढ़िया है, ये आप देख सकते हैं। और पीछे क्वार्टर वगैरह लगे हुए हैं इसके सटे हुए, और ये साफ़ पानी पीने के लिए फ़िल्टर लगे हुए हैं, देखते हैं चलता है या नहीं। वाह, ये भी रनिंग अवस्था में ही है और चल रही है पानी, मतलब पीने के लिए पानी की सुविधा है। और ये हॉल से फिर बाहर निकलते हैं। अब रूम तो काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ बोर भी लगने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन यही है कि अगर अब अकेले हो या दो लोग हो तो रहने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अकेलापन महसूस होने वाला है, जैसे ही मैं फील कर रहा हूँ। और ये सब रूम बने हुए हैं, अब सब रूम में अटैच लेट बाथ सब लगे हुए हैं। तो ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे बताइएगा। और देखो, रात को मच्छर से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मच्छर से बचना है तो आप यहाँ आ जाइए और आराम से अपना नींद को पूरा कीजिए।